सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अम्बेडकर चौराहा खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के पिपलो थाने के अंतर्गत आने वाले भगवानपुर में आज बस स्टैंड के पास रहने वाले ज्ञान सिंह पिता पृथ्वी सिंह और अशोक सिंह पिता पृथ्वी सिंह के घर सुबह सुबह 3:30 बजे आग लग गई। आग लगने की खबर जैसे ही परिवार को मिली तत्काल सभी लोग घर के बाहर आ गए। आग कितनी भीषण है इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर में रखा सामान का एक टुकड़ा भी नहीं बचा और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही साथ लाखों रुपए की नकदी भी बताया जा रहा है किसान के घर में रखी हुई थी। फसल बेचने के बाद नकदी घर में रखी हुई थी, घर में जो गोल्ड था, महत्वपूर्ण कागज़ थे, सब कुछ आग में स्वाह हो गया। आपको बता दें कि गाँव वालों ने पूरे गांव ने मिलकर इस आग पर काबू पाया, क्योंकि गांव वालों का ये कहना था कि 3:30 बजे के करीब आग लगी थी और सभी को जब फ़ोन लगाया गया, फायर फाइटर की टीम को फ़ोन लगाया गया, पुलिस की टीम को फ़ोन लगाया गया, फायर फाइटर की टीम 3 घंटे बाद आई, जिसके चलते लगभग घर में रखा पूरा सामान खाक हो गया। गाँव वालों ने जैसे तैसे मेहनत करके पूरे गाँव ने भिड़ के आग को बुझाया। आग पर काबू पाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आग गांव के हाई डेंस एरिया में लगी थी, यानी आसपास बहुत घर थे और आग अगर फैल जाती तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। अकेले इसी घर में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गांव वालों ने मांग की है शासन प्रशासन से कि किसान की आर्थिक मदद की जाए और उसको वापस इस्टेब्लिश करने में उसकी मदद की जाए। हालांकि आपको बता दें कि मुआवजे का अपना सरकार का एक नियम है, अगर गांव वाले थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो इस व्यक्ति की मदद करके, किसान की मदद करके उनको वापस कम से कम इस स्थिति में लाकर खड़ा कर सकते हैं कि वो मकान बना सके। और गांव में ऐसा एक दूसरे के साथ करना भी चाहिए। इंश्योरेंस का फार्मूला भी यही है कि अगर गांव में 400 मकान है, 1,000 रुपये भी एक व्यक्ति देता है तो 4,00,000 रुपये हो जाते हैं। और गांव के बड़े बुजुर्ग जिम्मेदार लोग अगर इस जिम्मेदारी को लें तो गांव में 400 घर में से जिस पर भी मुसीबत आती है, एक घर से सिर्फ 1,000 रुपये जाएगा, लेकिन जिसके घर पर मुसीबत आई है, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित आई है, इस तरीके की समस्या आई है या और कोई सुख दुख की स्थिति है, तो ऐसे में एक घर से सिर्फ 1,000 रुपये की मदद होगी, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को 4,00,000 रुपये मिल जाएंगे। और रोज रोज इस तरह की घटनाएं गांव में नहीं होती, इस तरह की चीज़ें बहुत कम होती हैं, लेकिन सुख दुख, शादी ब्याह जैसी स्थिति, अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो सब सहयोग करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और इसका फायदा हर आदमी को हो सकता है। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार ज़रूर विजिट करें, अंबेडकर चौराहा खंडवा।